दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट। दोस्तों, ये जो वर्कशीट आई है ये आपकी इंग्लिश की कॉपी में वर्कशीट करनी है। इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को लगेगा सोशल साइंस का काम है, लेकिन ये आपको अपना SST की कॉपी में नहीं, इंग्लिश की कॉपी में करना है। तो चलिए समझते हैं आज की वर्कशीट क्या है। और दोस्तों, हिंदी मीडियम में नहीं आई है, इंग्लिश मीडियम में ही है, तो पूरा आज हम इंग्लिश मीडियम को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर क्वेश्चन के आंसर्स को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आर कंट्री। देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ अ पार्टी और द कॉलिगेशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स a majority in the Lok Sabha as Prime Minister. However, Prime Minister may be a member of any House of Parliament. दोस्तों, ये बताते हैं जो Prime Minister है, सबसे important part होता है किसी भी political institution का, किसी भी country के लिए। और यहाँ पे कोई direct election नहीं होते Prime Minister के लिए। जो President होता है वो appoint करता है या फिर एक party बनाता है, जिसकी वजह से मतलब, और फिर लोकसभा में मेजॉरिटी पे पास होता है, जैसे कि फिर इससे प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे जो पावर्स है प्राइम मिनिस्टर की वो क्या क्या है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स। हिज डिसीजंस आर द फाइनल इन द केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। दोस्तों, ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हेड है, कैबिनेट मीटिंग के हेड है। वो कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को। उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। इन केस कभी कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी डिपार्टमेंट के बीच में, तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे मिनिस्टर उनके नीचे काम करते हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर काम करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देते हैं तो पूरी एंटायर मिनिस्ट्री क्या होती है, वो क्विट कर देती है। तो इसीलिए जो कैबिनेट है सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और कैबिनेट में ही जो प्राइम मिनिस्टर है सबसे पावरफुल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 को बने थे और वो 27 मई 1964 तक रहे। फिर उसके बाद गुलजारीलाल नंदा, एक्टिंग 27 मई 1964 to 9 जून 1964, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहे। फिर उसके बाद है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 9 जून 1964 से 11 जैन 1966। फिर से एक्शन में आए गुलजारी लाल नंदा जी, एक्टिंग 11 जैन 1966 to 24 जैन 1966। फिर है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर श्री चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री HD देव गोफ्ता, श्री इंदर कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मनमोहन सिंह, और अभी आपके रिसेंटली कौन से हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है कि आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट, गैस एंड माई नेम। ये आज तक की इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, मीन्स जब भारत को आज़ादी मिली तब से अकेली प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो उनका नाम क्या है, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। दूसरा क्वेश्चन है, आई सर्व द नेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स वाइल बींग द मेम्बर्स ऑफ द राज्यसभा। Find out my name with the help of a family members. ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे नेशन को प्राइम मिनिस्टर के तरह सर्व किया 10 साल तक, उसके साथ साथ वो राज्यसभा के मेंबर्स भी थे। तो उनका नाम क्या है, वो कौन है, श्री मनमोहन सिंह जी। दोस्तों, आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया, सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक, वट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पैंडेमिक। आपको बोला गया, अगर लगा लीजिए इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप क्या क्या स्टेप्स लेते इस पेंडेमिक को रोकने के लिए। और दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट
प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। आपको अपने फैमिली मेंबर से पूछना है कि आपका जो भी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, फिर उनके लिए एक आर्टिकल लिखना है। तो दोस्तों देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर एक साथ। बच्चों थर्ड का आंसर है इफ आई वांट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माई मेन फोकस विल बी ऑन यंग जनरेशन एज दे आर द फ्यूचर ऑफ द अपकमिंग वर्ल्ड एंड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ड्यू टू दिस कोरोना वायरस चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू प्ले देयर फेवरेट आउटडोर गेम्स, दिस विल हैम्पर देयर ग्रोथ एंड यूथ इज गोइंग इन डिप्रेशन बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड सिट एट होम। देयर विल बी प्रॉपर गाइडेंस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दिस पेंडेमिक विल गो बट वी शुड टेक केयर ऑफ आर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मेरा पूरा फोकस होता यूथ जनरेशन पे, क्योंकि ये है हमारा आने वाले फ्यूचर, ठीक है। और मेरा जो मेन मकसद था वो था कि हर किसी का ध्यान रखा जाए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनसे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। हर जगह प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वो तब तक नहीं खुलने चाहिए जब तक कोरोना के केसेस कम ना हो जाए। पेंडेमिक की वजह से सबको घर पे बैठना पड़ रहा है जिसकी वजह से काफ़ी यू जनरेशन डिप्रेशन का शिकार हो गई है, तो उनकी फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी टेक केयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मेंटल हेल्थ पे डिप्रेशन हुआ या फिर अफेक्ट हुआ तो आगे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ही इज 70 ईयर ओल्ड एंड स्टिल सो एनर्जेटिक, ही ऑलवेज टेक बोल्ड डिसीजन लाइक डीमोनेटाइजेशन, कोविड लॉकडाउन इन इंडिया। He always take care of his health and motivate youth to do something in their life. He know how to change with the time and how to deal every situation. इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है कि मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो इस उम्र में भी बहुत एनर्जेटिक हैं। वो बहुत बोल्ड डिसीजंस लेते हैं जैसे कि COVID-19 में लॉकडाउन कर देना, डीमोनेटाइजेशन मीन्स नोटबंदी कर देना, और वो हमेशा अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हैं और अपने यूथ को मोटिवेट करते हैं। ही नो हाउ टू चेंज विद द टाइम। दोस्तों ये थी आज की वर्कशीट, इसको देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वर्कशीट में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।